हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूँ वंदना। तो आज मैं हाजिर हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तो आज मैं स्वीट कॉर्न की स्वीट सी रेसिपी बनाऊंगी, मीठा रेसिपी बनाऊंगी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BRP वंदना किचन में। तो फ्रेंड बने रहिए हमारे वीडियो पे और देखते रहिए मैं क्या बनाने वाली हूँ आज स्वीट कॉर्न से। तो गाइस, इसको चार मैंने भुट्टा ले लिया है, वो ऊपर का थोड़ा सा ख़राब था तो मैंने तोड़ लिया है। तो इसको कद्दूकस करेंगे, घिसेंगे इसको, तो आपको दिखाते हैं, चलते हैं घसने इसको। तो फिर हमने ले लिया एक बड़ा सा बाउल, मैंने कद्दूकस करने वाला ले लिया है। तो इसको ऐसे घसेंगे, इसको ऐसे सारा घस लेंगे खूब अच्छे से। देख लीजिए कैसे मैं घस रही हूँ। तो इसको घस लेते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड मैंने कद्दूकस कर लिया है, तो ऐसा हुआ है इतना सा, अभी दरदरा है ये। तो इसको लेते हैं एक मिक्सी का जार और इसमें पीसेंगे इसको बारीक। तो इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं, इसको बारीक पीस लेते हैं। और इसमें डालने के लिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है, देख लीजिए, चार पांच काजू लिया है, थोड़ा सा नारियल लिया है, चार पांच बादाम ले लिया, थोड़ा सा किशमिश लिया, इसको भी कट कर लेंगे। तो गाइस इसको पीस लेते हैं पहले। तो फ्रेंड मैंने इसे बारीक पीस लिया है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का बैटर चाहिए हलवा के लिए। मैंने आज मैं स्वीट कॉर्न से हलवा बनाऊंगी। तो मैंने ले लिया है इसी चम्मच से नाप के एक चम्मच, बड़ा चम्मच घी। और चलते हैं अपने ड्राई फ्रूट्स काट लेते हैं छोटे छोटे टुकड़े में, इसको काट के रख लेते हैं, फिर बनाएंगे हम, क्योंकि उसमें टाइम मिलेगा नहीं, लगातार चलाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा हलवा नीचे से जल जाएगा। तो फिर काट के आपको दिखाते हैं। तो मैंने अपना ड्राई फ्रूट्स कट कर लिया है गाइस। तो चलते हैं कढ़ाई की तरफ, मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रख दिया है गर्म होने के लिए। अब चलते हैं इसे बनाने के लिए। चीनी हम जितना मेरा बैटर है उससे कम ही डालेंगे, क्योंकि स्वीट कॉर्न मीठा होता है, तो उसी हिसाब से हम मीठा अपने हिसाब से डालेंगे। तो चलते हैं बनाने, आप बने रहिए। तो फ्रेंड हमारा कढ़ाई गरम हो चुका है, तो उसमें डालेंगे अपना घी। इसको घुमा लेते हैं, फिर अपना डालेंगे इसमें ये स्वीट कॉर्न का बैटर, मैंने पीस के ले लिया था। इसमें सारा बैटर डाल लेते हैं। अब इसको तो फिर इसे लगातार चलाते हुए भूनना है, इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे हम, इसे अच्छे से भून लेना है। देखिए थिक भी होने लगा है, जल्दी से भून जाता है ये। इसको चारों तरफ से मिलाते हुए चलाएंगे, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना जल्दी ये थिक होने लगा है, जमने लगा है ये। अभी एक मिनट भी नहीं इसे डाले हुए हुआ कढ़ाई में, फ्लेम को लो कर लेते हैं, इसको लो फ्लेम पे पका लेते हैं पहले। तो गाइस इसमें इसी वक्त एक चम्मच और घी ऐड करेंगे, तो इसमें डाल देते हैं एक चम्मच और घी। फिर इसे घी डाल के फिर से मिक्स करके चलाएंगे अच्छे से इसको। आप देख सकते हैं ये कैसा हो गया है, कितना अच्छा दिख रहा है ये बहुत अच्छे से बन जाता है इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसे चलाते हुए भूनते रहना है, बराबर इसको चलाना पड़ता है। तो गाइस हम डालेंगे इसमें, मैंने थोड़ा सा ले लिया था दूध को फाड़ के, 250 ग्राम दूध को फाड़ के ले लिया था, इस वक्त इसमें डालेंगे हम। तो फ्रेंड मैंने 250 ग्राम फटा हुआ दूध ले लिया है, इसका पानी नहीं निकाला है मैंने, तो इसको ऐसे ही डालेंगे इसमें, इसको ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालें, ना हो तो ना डालें, कोई जरूरी नहीं है, ये अपने स्वाद के लिए डाला जाता है। तो गाइस देख सकते हैं कि ये कैसे जमने लगा है तुरंत डालते डालते। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि गुठलियाँ बनने लगती है, ये पहले से ठीक हो चुका था, फ्लेम मैंने हाई कर दिया था, फिर से लो कर लेते हैं, नहीं तो ये जल जाएगा नीचे से। तो फ्रेंड आज तक आपने ऐसा हलवा कभी नहीं खाया होगा, बेसन का हलवा खाया होगा, आटा का हलवा खाया होगा, सूजी का हलवा खाया होगा, और स्वीट कॉर्न का हलवा नहीं खाया होगा। तो गाइस आप एक बार ट्राई अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताइएगा कि ये मेरा स्वीट कॉर्न का हलवा रेसिपी कैसा लगा आपको।
तो फ्रेंड हम इसी वक्त इसमें डालेंगे अपना चीनी। तो फ्रेंड जिस कटोरी में मैंने घी लिया था उसी कटोरी से आधा कटोरी मैंने ले लिया है चीनी, आप देख सकते हैं। मैंने मीठा अपने अकॉर्डिंग लिया है, ये तो स्वीट कॉर्न वैसे ही मीठा रहता है, इसमें चीनी की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, आप अपने हिसाब से डाल लें। तो मैं अपने हिसाब से डाल ले रही हूँ इसको, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये दो चीजों से झटपट तैयार हो जाता है गाइस, इसमें टाइम नहीं लगता है बिल्कुल भी। गाइस आप देख सकते हैं इसका थिकनेस, इस वक्त फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देंगे। इसको अच्छे से चारों तरफ से चलाते हुए मिक्स करेंगे, इसको पकाएंगे दो चार मिनट के लिए। फ्रेंड अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे, इसमें महसूस हो कि पानी इसमें डालना चाहिए तो आप डाल लें, पर मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें डालना पड़ेगा, मैं इसे ऐसे ही पकाऊंगी। तो गाइस इसे अच्छे से पकाएंगे खूब बढ़िया से, दो मिनट और पका लेते हैं, ये दो मिनट में रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे हलवे का लुक कितना अच्छा दिख रहा है। आप चाहें तो इसमें दूध ना हो तो मिल्क पाउडर है तो मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं दो चम्मच, नहीं तो इसमें दूध भी डाल सकते हैं, मन करे तो दूध को फाड़ के डाल लें, आपकी जैसी इच्छा उस तरह से इसको बना लें। तो गाय जब इस वक्त थोड़ा सा घी और डालेंगे आधा चम्मच जितना, आप देख सकते हैं बस इतना ही घी डालेंगे इसमें। आप इसमें जितना घी डालेंगे ये उतना अच्छा होगा, स्वादिष्ट होगा। तो गाइस मेरा हलवा लगभग बन के रेडी है, बस मैं इसे एक मिनट और पकाऊंगी इस पर, फिर इसी इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स अपना कटा हुआ, तो थोड़ा सा सजाने के लिए रख लेते हैं। तो फ्रेंड मेरा हलवा बन के रेडी है, हैवी और हेल्दी हलवा। तो गैस कर देते हैं और इसको चलाते रहेंगे, कढ़ाई गर्म है नहीं तो नीचे से जल जाएगी ये। तो फ्रेंड आप चाहें तो इसे नाश्ते में, सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं या शाम के नाश्ते में बना सकते हैं, या आपका जब चाहे जी चाहे बना के खा सकते हैं। फ्रेंड ये बहुत ही टेस्टी हैवी और हेल्दी हलवा है और ये सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है, क्योंकि ये स्वीट कॉर्न से बना हुआ है और सुबह के नाश्ते में लेते हैं तो ज़्यादा देर तक आप गंभीर रहेंगे, हैवी हलवा है। तो गाइस इसको ठंडा कर लेते हैं, देखिए इसको चला भी लिया है, गाय थोड़ा ठंडा भी हो गया है, इसको प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड मेरा हलवे का लुक देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा हम घी ऊपर से ऐड कर देते हैं हल्का सा, अभी हमारा हलवा गर्म है ये पिघल जाएगा। तो गाय देख सकते हैं स्वीट कॉर्न हलवा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी बनाऊं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए। तो गाइस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही बने रहिएगा मेरे वीडियो पर और मेरे वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक यू।